हेलो एवरीवन। कहानी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है, दो भाइयों ने मिलकर एक स्कूल बनाया जिसमें एक तरफ अच्छाई सिखाई जाती थी और दूसरी तरफ बुराई सिखाई जाती थी। मतलब एक तरफ अच्छा जादू सिखाया जाता था और दूसरी तरफ बुरा जादू सिखाया जाता था। और ये स्कूल उन्होंने अच्छाई और बुराई का संतुलन बनाने के लिए बनाया था और स्कूल का नाम स्कूल फॉर गुड एंड ईविल था। तभी हमें उन दोनों भाइयों में फाइट होते हुए दिखाते हैं, जहां बुरा वाला भाई जिसका नाम रफाइल होता है वो जादू का इस्तेमाल करके जीत जाता है और फिर हमें पता लगता है वो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी अच्छा वाला भाई जिसका नाम रियोन होता है वो कहता है तुम धोखे से जीते हो, तो रफाइल फिर से मुकाबला करने को कहता है और इस बार वो जादू का पूरा इस्तेमाल करते हैं जिसमें रफाइल उस मुकाबले को असलियत बना देता है और वो एक ऐसा जादू इस्तेमाल करता है जो उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, जो कि ब्लड का जादू होता है। और फिर वो लड़ते लड़ते एक पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं जहां रियोन किसी तरह रफाइल को पहाड़ से नीचे फेंक देता है, जिसके बाद हमें 2 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जहां इंसानी दुनिया में एक सोफी नाम की लड़की वो अपने फादर और स्टेप मॉम के साथ रहती थी। वो देखने में काफी खूबसूरत थी और वो चाहती थी वो किसी तरह एक प्रिंसेस बन जाए। और वहीं उसी शहर में एक और लड़की रहती थी जिसका नाम एगेथा होता है। शहर के सारे लोग उसे बिच बुलाया करते थे। किस्मत से वो दोनों दोस्त थी, हालांकि दोनों ही एक दूसरे से बहुत अलग थी, लेकिन उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। उनके दिल में कुछ और ही होता है। वो रात को वहीं आ जाती है, लेकिन एगेथा को भी उस पर शक था, इसलिए वो भी उसका पीछा करते करते वहीं आ जाती है। और उन दोनों में बात ही हो रही होती है कि वहां पर एक फॉक्स से बना हुआ मॉन्स्टर आ जाता है जो कि सोफी को पकड़कर ले जाने लगता है। तो एगेथा भी उसके हाथ पकड़ ले तो वो उन दोनों को ही एक जगह ले जाकर छोड़ देता है, जहां अचानक से एक बहुत बड़ा सा बाज आ जाता है और वो उन दोनों को वहां से उठाकर ले जाता है, जहां वो एगेथा को अच्छाई के स्कूल में और सोफी को बुराई के स्कूल में छोड़ देता है। तो सोफी वहाँ के वुल्फ गार्ड से कहती है मैं यहाँ गलती से आ गई हूँ, मुझे अच्छाई के स्कूल में होना चाहिए था। लेकिन वो उसकी बात को नहीं सुनता है और उसे अंदर भेज देता है। तो वो अंदर जाकर एक लेडी से शिकायत करती है जिसका नाम लेडी लेसो होता है, जो कि बुराई की स्कूल की प्रिंसिपल होती है। लेकिन वो उसे बताती है कि परिंदे से कभी भी गलती नहीं होती है। तभी हमें एगेथा को दिखाते हैं जो कि अच्छाई के स्कूल में होती है, लेकिन वहाँ के कुछ स्टूडेंट एगेथा के बालों और कपड़ों की हंसी उड़ा रहे होते हैं। तुम तो बिल्कुल चुड़ैल लग रही हो, तुम्हें इस स्कूल में नहीं आना चाहिए था, तुम शायद गलती से यहाँ आ गई हो। लेकिन तभी परिया एगेथा को जबरी अंदर ले जाती हैं, जहाँ उसकी मुलाकात एक लेडी से होती है जिसका नाम प्रोफेसर डेबी होता है, जिससे एगेथा कहती है वो यहाँ नहीं आना चाहती थी, यहाँ तो उसकी दोस्त आना चाहती थी। तो प्रोफेसर बताती है नेवर यहाँ नहीं आ सकती और परिंदे से कभी गलती नहीं होती है। एगेथा को नेवर का मतलब नहीं पता होता है, तो इसलिए प्रोफेसर उसे बताती है जो बच्चे बुराई के स्कूल में जाते हैं उन्हें नेवर बुलाया जाता है क्योंकि वो कभी भी खुश नहीं रहते हैं, और जो बच्चे अच्छाई के स्कूल में आते हैं उन्हें एवर बुलाया जाता है क्योंकि वो हमेशा खुश रहते हैं। जिसके बाद उन सारे बच्चों को एक हॉल में बुलाया जाता है जहां एगेथा एक बहुत भारी सी गाउन पहनकर आई होती है और उधर सोफी सिर्फ सिंपल से ब्लैक कपड़े पहनी हुई होती है, जबकि उन दोनों की पसंद इससे बिल्कुल उल्टी होती है। पर बुराई के लोग हमेशा काले और सिंपल कपड़े पहनते हैं और अच्छाई वाले लोग फैशनेबल कपड़े पहनते हैं। तभी उसके बाद में एवर मतलब अच्छे लोग अपनी स्किल्स दिखाते हैं और उस दुनिया के अगले राजा डेट्रोस को दिखाया जाता है, तो वो भी अपनी कुछ स्किल्स दिखाता है। जिसके बाद में नेवर्स मतलब बुरे बच्चों में से एक बच्चा उसको चैलेंज कर देता है, तो उन दोनों के बीच में मुकाबला होता है। लेकिन डेट्रोस उस साइक्लोप को हरा देता है क्योंकि उसके पास में एक्स कैलेबर होती है। तभी डेट्रोस का ध्यान सोफी और एगेथा दोनों पे ही जाता है, लेकिन वो एक दूसरी लड़की के पास जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर स्कूल के हेडमास्टर रियोन आते हैं जो कि अब काफी बूढ़े हो गए होते हैं। वो उन बच्चों से कहते हैं तुम सबको अच्छे से पढ़ना है और सारे रूल फॉलो करना है क्योंकि जो बेस्ट स्टूडेंट होगा उसी को हिस्टोरियन चुनेगा, उसी की स्टोरी इंसानों की दुनिया में पहुंचाई जाएगी जिससे वो लोग प्रेरित होकर अपना लक्ष्य चुन सकें। और तभी अचानक से सोफी पूछती है अगर कोई गलत स्कूल में आ गया हो तो, और फिर एगेथा कहती है या फिर यहाँ गलती से आ गया हो, तो उस पर मास्टर रियोन कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर गलतियाँ नहीं होती हैं, और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी रात में उन दोनों को ही उनके क्लास के बच्चे परेशान करते हैं क्योंकि वो रीडर होती हैं, मतलब वो इंसानी दुनिया से आई होती हैं, जहाँ एगेथा सोफी
हैरी से मिलने के लिए ईविल वाले स्कूल में आ रही होती है, तो वो रास्ते में उन दोनों स्कूल की प्रिंसिपल को बात करते हुए सुनती है। और जब वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं, तब उसे रूम में वहाँ पर रफाइल दिखाई देता है, जो कि उससे कहता है सोफी अब हमेशा के लिए उसकी है, और फिर वो गायब हो जाता है। तभी वो भी ईविल स्कूल पहुँच जाती है, जहाँ सोफी के क्लासमेट उसको परेशान कर रहे होते हैं और उसके बाल काटने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन सोफी उल्टा उसी को मारने लगती है और उसके साथ में बहुत बुरा बर्ताव करती है। तभी उसकी नजर एगिथा पे पड़ जाती है, तो वो उसको देखकर उसके पास आ जाती है, तो वो दोनों मिलकर स्टोरियन के पास जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ सिर्फ एक पेन और बुक होती है, जो कि अपने आप ही लिख रही होती है। तभी वहाँ पर रियोन आ जाता है और कहता है तुम्हारे अलावा यहाँ तक कोई भी नहीं आ पाया है, तुम दोनों इतनी खास हो तो यहाँ से जाना क्यों चाहती हो। तो उस पे सोफी कहती है ये जाना चाहती है, मैं नहीं जाना चाहती हूँ, बस मुझे तो गलत स्कूल में भेज दिया गया है। हालांकि एगेता खुद को और सोफी दोनों को ही वापस ले जाना चाहती थी, पर सोफी उसे समझाती है कि उसे वो लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर एगेता को रियोन पे विश्वास नहीं होता है, तो वो उनसे पूछती है कि स्नो वाइट और सारी कहानियां जो उन्होंने पढ़ी हैं वो सब सच्ची हैं। जिस पे रियोन उन्हें बताता है तुमने जितनी भी कहानी पढ़ी है, जैसे सिंधबाद, सिंड्रेला, स्नो वाइट और जितनी भी, वो सारी कहानियां नहीं सच्चाई है, उसमें से सारे लोग इस स्कूल के स्टूडेंट रह चुके हैं। और फिर वो सोफी से कहता है अगर तुम बुरी नहीं हो और तुम्हें अच्छाई के स्कूल में जाना है, वो उससे कहता है बुराई जो चीज कभी हासिल नहीं कर सकती उस चीज को हासिल करके दिखाओ और साबित कर दो मुझसे गलती हुई। तो सोफी कहती है मेरे पास सब कुछ है, अच्छे बाल हैं, मैं सुंदर हूँ, यही सारी चीजें चाहिए होती हैं अच्छाई के स्कूल में जाने के लिए। लेकिन एगेता उसे समझाती है कि वो ये सारी चीजें नहीं है, वो एक्चुअल में सच्चा प्यार है, तुम्हें सच्चे प्यार को ढूंढ कर उसको किस करनी होगी, जिससे ये साबित हो जाएगा तुम अच्छी हो। तभी रियोन उन्हें उनके क्लासेस में भेज देता है, जहाँ एगेता की क्लासमेट उसे डराती हैं और कहती हैं अगर तुम 3 बार फेल हो गई तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा, जिसपे एगेता और खुश हो जाती है और पूछती है कि सच में निकाल दिया जाएगा। तो वो कहती है निकालने से मतलब तुम्हें कुछ बना दिया जाएगा, जैसे बोलता हुआ टीपॉट। तभी उनकी टीचर वहाँ आती है, जो कि उनकी मुस्कुराने का टेस्ट लेती है, जिसमें एगेता फेल हो जाती है। और इधर सोफी की बदसूरती की क्लास चल रही होती है और वो भी उसमें फेल हो जाती है, जिसके बाद में वो दोनों कॉमन हॉल में मिलते हैं, जहाँ एगेता सोफी को राजकुमार के नाम बताती है। लेकिन सोफी का दिल डेट्रोस पे आ गया होता है, तो वो एगेता को एक लेटर देती है जो कि डेट्रोस के लिए होता है। तभी एगेता अपनी जंगल की क्लास में जा रही होती है, जहाँ वो डेट्रोस को वो लेटर दे देती है। और तभी वो लोग जंगल में जाते हैं, जहाँ उनका टीचर उन्हें कुछ खूबसूरत फ्लावर दिखाता है, जो कि असल में काफी खतरनाक फ्लावर होते हैं। और उसके बाद में वो उन्हें एक पंपकिन स्केयरक्रो दिखाते हैं और बताते हैं कि ये रात में जागता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक ड्रैगन नाम के लड़के के फ्लावर काट लेता है, जिससे वो लड़का वहाँ से डर के भाग जाता है, तो इस वजह से मास्टर उसे फेल कर देते हैं और ये वो 3री बार फेल हुआ होता है। तो एगेता उसके पीछे भाग और उससे कहती है कि ये तुम 3री बार फेल हो रहे हो, और वो उसका पीछा कर ही रही होती है कि उसके चारों तरफ बिजली आ जाती है और वो अचानक से गायब हो जाता है। तभी हमें सोफी को दिखाते हैं, जो कि अपनी क्लास में होती है, तो उसके क्लास की रीटा नाम की लड़की उसे परेशान करने लगती है। और जैसा कि वो बुराई का स्कूल होता है, इसलिए टीचर उसे नहीं रोकती है, बल्कि उन्हें तो ये सब देखने में मजा आता है। तभी रीटा अपने एक टैटू से छोटा सा ड्रैगन निकालती है, जो कि सोफी पे हमला करने लगता है, और सोफी कुछ नहीं कर पा रही होती है, वो सिर्फ चिल्ला रही होती है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खी आ जाती हैं और उस ड्रैगन को मारने लगती हैं, जिससे रीटा का भी दम घुटने लगता है। तभी सोफी उन मक्खियों को रुकने को कह देती है, तो पता लगता है कि वो रफाइल था, तो लेडी लेसो सोफी को अपने साथ ले जाती है, जहाँ सोफी पूछती है ये कौन था, तो लेडी लेसो से रफाइल के बारे में बताती हैं और उससे कहती हैं तुम बहुत पावरफुल हो। लेकिन सोफी उससे खुश नहीं होती है, क्योंकि उसे पावरफुल नहीं बनना था, उसे तो बस अच्छाई वाले स्कूल में जाना था। और लेडी लेसो उससे ये भी कहती हैं कि अगर रफाइल तुम्हें फिर से मिलने आए तो इसके बारे में तुम सिर्फ मुझे बताना और किसी को मत बताना। जिसके बाद हमें प्रोफेसर डूबी को दिखाते हैं जो कि एगेता और बाकी बच्चे को बताती हैं बुराई हमला करती है और अच्छाई सिर्फ बचाव करती है। लेकिन
उनकी बात को काटते हुए आगे थर्क ड्रैकर के बारे में पूछती हैं, तो प्रोफेसर उससे कहती हैं ये स्कूल का रूल है, और ये कहकर वो उसे चुप करा देती हैं। तभी वो पास वाली लेक की फिश के बारे में बताती हैं, जो कि सबकी विशेष पूरी करती हैं। तो एक एक करके सारी लड़की अपनी विशेष मांगने लगती हैं। तभी एगेथा भी विश मांगती है, जिसमें वो मांगती है जो लोग भी यहाँ से अपने घर जाना चाहते हैं वो सब जा सकें। तभी अचानक से वो फिश एक लड़की में बदल जाती हैं, और वो लड़की एगेथा का शुक्रिया अदा करती है और बताती है उसे अब से कई साल पहले फेल होने की वजह से ये फिश बना दिया गया था। वो इतने सालों से लोगों की सारी विशेष पूरी कर रही थी, लेकिन किसी ने भी ऐसी कोई विश नहीं मांगी जिससे वो आजाद हो सके। लेकिन एगेथा ने ऐसी विश मांगी थी जो उसकी भी इच्छा थी, जिससे वो आजाद हो गई, तो इसलिए वो उसका शुक्रिया अदा करती है और फिर गायब हो जाती है। जिसके बाद वहाँ पर वही परिंदा आ जाता है जो उन दोनों को वहाँ लेके आया था, और वो एगेथा पे हमला करने लगता है, लेकिन असल में वो हमला नहीं कर रहा होता है। और एगेथा भी देखते ही समझ जाती है कि वो ड्रैकर है, लेकिन उसी टाइम पर वहाँ पर डेट्रोस आ जाता है और उसको मार देता है। हालांकि एगेथा उससे रोकने को कह रही होती है, लेकिन वो उसकी बात को नहीं सुनता है। उसके बाद में एगेथा गुस्से में आकर डेट्रोस के एक पंच भी मार देती है। तभी एगेथा अपनी प्रोफेसर पे गुस्सा हो रही होती है और कहती है इसे आप अच्छाई कहते हैं। प्रोफेसर भी उस पे भड़क जाती है और कहती है तुम्हारा जादू बहुत पावरफुल है, तुम वो राजकुमारी हो जिसका हम लोगों को बहुत समय से इंतजार था। जिसके बाद में एगेथा और सोफी कॉमन हॉल में मिलती हैं। एगेथा को रफाइल के बारे में बताती है, तो एगेथा भी उसे बताती है कि उसने भी रफाइल को देखा था। तभी सोफी डेट्रोस के बारे में पूछ रही होती है, तो डेट्रोस पीछे से आ जाता है और वो दोनों बात करने लगते हैं। तो एगेथा वहाँ से चली जाती है, तो डेट्रोस उसके लेटर की तारीफ कर रहा होता है कि तभी एक बुल्फ सिपाही सोफी को पकड़कर ले जाता है, जहाँ लेडी लेसो सोफी के बाल काट देती हैं और उसे एक रूम में बंद कर देती हैं। तो एक मिरर के थ्रू राफाइल उससे बात करता है, वो उससे खूब चढ़ाता है और उसे भरोसा दिला देता है कि कोई भी उसके साथ नहीं है, वो सिर्फ राफाइल पे ही भरोसा कर सकती है। तो वो राफाइल की बातों से प्रभावित होकर सोफी डिसाइड करती है वो डेट्रोस का दिल जीतने के लिए उससे जो भी हो सकेगा वो करेगी। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है सारे स्टूडेंट को एक पिन के थ्रू जादू मिल रहा होता है, जहाँ सोफी बहुत अच्छे स्टाइल में आती है और वो अब कपड़े भी थोड़े स्टाइलिश पहनी होती है, हालांकि उसकी थीम ब्लैक ही होती है। और फिर वो अपना जादू लेकर सबको इग्नोर कर वहां से चली जाती है और रात में उन लड़कियों को भी अपना दोस्त बना लेती है जो उसे स्टार्टिंग में परेशान कर रही थी। जिसके बाद में वो उन सबकी एक लीडर की तरह बन जाती है। तभी अगले दिन एगेथा उससे बात करती है और उसे बताती है डेट्रोस के पिता ने उनकी दुल्हन गुलीवा को उसकी खूबसूरती के लिए चुना था, लेकिन गुलीवा ने उन्हें धोखा दे दिया जिनसे उनकी मौत हो गई। मतलब डेट्रोस का दिल जीतने के लिए सिर्फ खूबसूरती काफी नहीं होगी, तो अब सूफी को कुछ ऐसा करना होगा जिससे सबको पता लग जाए कि वो अच्छी है, जिसके लिए वो एगेथा की बात सुनती है और डेट्रोस के पास जाती है जो कि एरोस की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो सूफी भी निशाना लगाने लगती है, लेकिन डेट्रोस उसे बताता है कि बुराई के स्टूडेंट कभी भी सही निशाना नहीं लगा सकते। जिसके बाद सूफी एरो शूट करती है और उसका निशाना बिल्कुल सही होता है। तो ये देखकर डेट्रोस बहुत हैरान हो जाता है, जबकि असल में वो एरो सही निशाने पर एगेथा के जादू की वजह से लगी थी। लेकिन डेट्रोस तो सोफी से इम्प्रेस हो ही जाता है, तो वो लोग साथ में रहने लगते हैं और डेट्रोस सोफी को अपनी रानी बनाने के लिए पूछ लेता है, लेकिन ये बात किसी को भी पसंद नहीं आती है। हालांकि डेट्रोस सबसे कहता है मेरी रानी चुनने का हक सिर्फ मुझे है, और एगेथा भी उन लोगों से कहती है कहानियों के हिसाब से सच्चा प्यार कभी भी अलग नहीं हो सकता। तो मास्टर योन कहते हैं इसका पता हम जंगल की चुनौती से लगाएंगे, जिसमें उन दोनों को रात में जंगल में अलग अलग हिस्सों में छोड़ा जाएगा और उन दोनों एक दूसरे को ढूंढना होगा। और तभी रात में उन दोनों को जंगल के अलग अलग हिस्से में छोड़ दिया जाता है, लेकिन सोफी को जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है और वो उन खूबसूरत फ्लावर के पास में पहुंच जाती है जो कि उसके काटने लगते हैं। तो वो उनसे बचकर वहां से भागती है और फिर उसके बाद में वो पंपकिन स्केयरक्रो के पास पहुंच जाती है जो कि अब रात में जिंदा होता है और उस पे हमला करने लगता है। तो सोफी चिल्ला रही होती है, लेकिन तभी वहां पर एगेथा अपने जादू से एक कबूतर बनकर आ
जाती है और सोफी को बचा लेती है। तभी वो दोनों वहाँ से भागने लगती हैं। तो उन्हें डेट्रोस की आवाज आती है। तभी एगेथा वहाँ छिप जाती है और सोफी को डेट्रोस के पास में भेज देती है। लेकिन वहाँ भी स्केयरक्रो आ जाता है जिससे डेट्रोस लड़ने लगता है और सोफी एक कोने में जाकर छिप जाती है। लेकिन तभी डेट्रोस की एक्सकैलिबर उसके हाथ से छूटकर एक दूसरी जगह गिर जाती है। तो स्केयरक्रो डेट्रोस को मार रहा होता है। तभी एगेथा सोफी को इशारा करती है कि वो एक्सकैलिबर को उठाकर डेट्रोस को दे दे, लेकिन वो डर के मारे बाहर नहीं निकलती है। हालांकि एगेथा उसे काफी बार इशारे करती है लेकिन वो उसकी बात को नहीं सुनती है। और जब उसे लगता है कि अब डेट्रोस मरने वाला है तो इसलिए वो खुद आकर तलवार को उठाकर डेट्रोस को दे देती है, जिसके बाद में डेट्रोस उसे मार देता है और सोफी पे गुस्सा हो जाता है और उसको छोड़कर चला जाता है। तभी इस वजह से सोफी एगेथा पर गुस्सा हो जाती है और वो भी वहां से चली जाती है, जिसके बाद में प्रोफेसर एगेथा पे गुस्सा होती है। सोफी पे भरोसा नहीं है तो वो कहती है, नहीं मुझे भरोसा नहीं है, सोफी बुरी है। मेरा मानना है कि सारे लोग ही बुरे होते हैं, कोई भी पूरी तरह से अच्छा नहीं होता है, मैं भी बुरी हूँ। तभी हमें सोफी को दिखाते हैं जो कि बहुत गुस्से में होती है और तभी रफाइल मिरर के थ्रू उससे बात करने लगता है और सोफी को चढ़ाने के लिए वो एगेथा को मिरर में दिखाता है जो कि कह रही होती है कि सोफी बुरी है, लेकिन वो उसे पूरी बात नहीं दिखाता है, जिससे सोफी को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब वो रफाइल के बस में हो जाती है, जिसके बाद वो उसे ब्लड वाला मैजिक दे देता है। तभी कुछ देर बाद लेडी लेसो सोफी से मिलने आती हैं, लेकिन वो उन्हें बहुत सुना देती है, जहां हमें पता लगता है लेडी लेसो वही लड़की है जो कि सोफी के शहर से 20 साल पहले गायब हो गई थी। और उधर डेट्रोस एगेथा को अपनी रानी बनने के लिए चुन लेता है, जिसके बाद वहां पर सोफी आ जाती है जो कि अब एक चुड़ैल बन गई होती है। उसका चेहरा भी बहुत खतरनाक लग रहा होता है। अब वो डेट्रोस से कहती है, तुम किसी को भी चुन लो लेकिन तुम्हारी रानी तो मैं ही बनूंगी, और ये कहकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद डेट्रोस और बाकी के लोग देखते हैं सोफी ने गुड एंड ईविल दोनों तरफ के ही गार्ड और प्रोफेसर को एक छोटे से खिलौने में बदल दिया होता है। तो डेट्रोस सोफी को रोकने के लिए ईविल स्कूल पे हमला करने जाता है और वहां जाकर उन पर हमला कर देता है, लेकिन सोफी उनके हमले को रोक देती है और सोफी का प्लान कामयाब हो जाता है, क्योंकि हमेशा पहले बुराई हमला करती है और अच्छाई बचाती है, जो कि सोफी ने किया होता है। तभी अचानक से सारे ईविल बच्चे चेंज होने लगते हैं और वो बहुत खूबसूरत हो जाते हैं और वो अच्छाई के स्टूडेंट बन जाते हैं, और अच्छे बच्चे चेंज होकर बुराई के स्टूडेंट बन जाते हैं और वो थोड़े बदसूरत भी बन जाते हैं, जिसके बाद में उन लोगों के बीच में फाइट होने लगती है। वो सारे लोग एक दूसरे पे हमला करने लगते हैं। तभी एगेथा सोफी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो जादू से उसे दूर फेंक देती है और स्टोरियन के पास चली जाती है, जहां वो रियोन को मारने आई होती है। लेकिन वहां जाकर उसे पता लगता है कि रियोन ही रफाइल है। तो वो कहती है, तुम तो मर गए थे। तो वो बताता है वो नहीं मरा था, उसने वापस आकर अपने भाई को मार दिया था और उसकी जगह ले ली थी। सोफी को उसके भाई को मारना पसंद नहीं आता है, पर रफाइल उसे बहला और फुसलाकर किस कर लेता है, जिससे वहां सब तबाह होने लगता है। तो सोफी रफाइल को ये सब रोकने को कहती है, लेकिन वो नहीं रोकता है। तो सोफी कहती है, मैं सबको नहीं मारना चाहती थी, मैं तो सिर्फ राज करना चाहती थी। और तभी वहां पर एगेथा आ जाती है। तो रफाइल कहता है, अब ये मेरी है, तुम इसे मुझसे नहीं ले जा सकती। जिस पे एगेथा कहती है, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं उसको कुछ भी नहीं होने दूंगी। तो रफाइल उस पर उस पेन से अटैक कर देता है, लेकिन एगेथा के सामने सोफी आ जाती है और वो पेन उसके लग जाता है, जिससे उन दोनों का बंधन टूट जाता है और वहां की जितनी तबाही हुई होती है वो वापस से ठीक होने लगती है। तभी वहां पर डेट्रोस आ जाता है जो कि रफाइल को मारने की कोशिश करता है, पर रफाइल उससे बहुत पावरफुल होता है और उससे कहता है, मैं एक्सकैलिबर से नहीं मर सकता, अगर तुम्हारे पिता के हाथ में होती तो शायद मर जाता। जिसके बाद वो डेट्रोस को मारने लगता है और उसकी तलवार भी उसके हाथ से दूर जाकर गिर जाती है। तो सोफी मरते टाइम अपने जादू से उस तलवार को उठाती है और रफाइल के खंजर को उससे गिरा देती है, और उसके बाद में एगेथा उस तलवार को कूदकर पकड़ लेती है और रफाइल को वहीं मार देती है। पर इधर सोफी मर जाती है तो एगेथा उसे देखकर रोने लगती है और उसके आंसू निकलकर सोफी के जख्म पर गिर जाते हैं, जिससे वो अचानक से ठीक हो जाती है। और हमें दिखाते हैं अब अच्छाई और बुराई दोनों के स्टूडेंट एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं और वो एक दूसरे के
के साथ खड़े होते हैं, जिसके बाद वहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है जो कि उन दोनों के घर का रास्ता होता है। तो सोफी एगेथा से कहती है, तुम यहीं डेट्रोस के पास रुक जाओ, मैं वापस अपनी दुनिया में चली जाती हूँ। लेकिन एगेथा उसका साथ नहीं छोड़ती है, वो भी उसके साथ में अपनी दुनिया में चली जाती है और वो फिर से उसी जिंदगी को जीने लगते हैं। बस फर्क इतना होता है कि अब उनके पास में जादू होता है।